हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। आज हमारी जो मिठाई है वो है ब्रेड की चमचम। ब्रेड की चमचम बनाना बहुत ही आसान है और ये सभी को बहुत पसंद आती है। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बना सकते हैं। और वैसे भी अब 2 दिन बाद रक्षाबंधन है तो आप इसे ज़रूर बना के और एंजॉय कर सकते हैं और त्यौहार का मज़ा ले सकते हैं। तो आइए अपनी चमचम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने लिए हैं 6 से 7 ब्रेड के स्लाइस हैं, जिनकी मैंने ये साइड वाली ब्राउन पार्ट्स निकाल दिए हैं। 1 कटोरी चीनी ली है, जिसकी हम चाशनी बनाएंगे, और ये शुगर पाउडर है, तो ये 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर है, और ये है 50 ग्राम मावा, जिसकी हम स्टफिंग बनाएंगे अपनी चमचम के लिए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे एक ये फ्राई पैन, और उसमें डालेंगे हम ये चीनी। ये चीनी डाली, 1 कटोरी चीनी है, हम आधा कटोरी इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे गैस पर रखते हैं। देखिए गैस पे हमने अपनी चाशनी बनने के लिए रख दी है, और अब इसमें हम डाल देंगे ये 1 से 2 इलायची, इसमें अच्छा सा चाशनी में फ्लेवर आने के लिए। तो अब बस इसे हम बीच बीच में चलाते जाएंगे इस तरह से। और चाशनी को हमें तार वाली चाशनी नहीं बनाना अपनी चमचम के लिए, इसके लिए बस हमें हल्का सा, जैसा शहद होता है वैसी हल्की सी चिकनी चिकनी हो जाती है, चिपचिपी सी, बस उसी हिसाब से हमें चाशनी बनाना है। तो चाशनी बनने देते हैं, तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमने बाउल लिया है, और उसमें हमने ये बारीक कट करके ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद के जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये खोया इस तरह से, और ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है ये कोकोनट पाउडर, तो ये भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। ये कोकोनट पाउडर से इसमें स्टफिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें जाएगा ये शुगर पाउडर, तो शुगर पाउडर मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच। ज़्यादा मीठा नहीं करना, क्योंकि हमें चाशनी में भी इसे डुबोना है, तो ज़्यादा चमचम हमारी मीठी हो जाएगी। और इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी ये 1 पिंच ये येलो फूड कलर। तो आप इसे डालना चाहो तो डालो, नहीं तो आप वाइट रहने दो। मैं इसमें एक अच्छा सा अंदर अच्छा कलर आए स्टफिंग में, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस इसे मैं हाथों की सहायता से अच्छे से मैं इसे मैश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए मावा हमारा ये होममेड मावा है, तो आप इसकी रेसिपी अगर देखो तो मेरे वीडियो में, आप मैंने पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी, तो आप उसे देख सकते हैं। और मैंने ये मावा इसके लिए बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैंने लूज़ नहीं रखा मावा, थोड़ा सा टाइट रखा है, जिससे हमारी स्टफिंग अच्छे से टाइट हो, और इस तरह से इसमें हम ऐड कर सकें, अच्छे से ब्रेड के अंदर हम इसे भर सकें। तो ये देखिए हमारा अच्छे से मावा, ये देखिए थोड़ा टाइट सा मावा है। तो आप जब भी इसके लिए मावा लें तो थोड़ा सा टाइट ही हो मावा बस। तो हमारा ये सारा स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसकी हम बना लेंगे छोटी छोटी सी बॉल इस तरह से ब्रेड में भरने के लिए। एक प्लेट लेंगे और इसमें रखते जाएंगे इस तरह से, सारी हम बॉल्स बना के रेडी करेंगे। तो जितनी आपने स्लाइस लिए हैं आप उसी हिसाब से इसकी बॉल्स बना लें इस तरह से। सारी बना के हम रेडी कर लेंगे, और बीच बीच में अपनी चाशनी को भी चला के चेक करते जाएंगे। चाशनी को चेक करते हैं, देखिए ये चाशनी हमारी अच्छे से चिकनी इस तरह से हो चुकी है, जैसे बिल्कुल जैसे शहद होता है उसी हिसाब से ये हो चुकी है, और कोई तार नहीं बन रहा। तो बस मुझे चाशनी इसी तरह से चाहिए चमचम के लिए। गैस को हम कर देंगे बंद, और आइए अपनी चमचम स्टफिंग भर के बनाना शुरू करते हैं। तो
तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे ये ब्रेड, और मैंने ये नॉर्मल दूध लिया है, ये गर्म भी नहीं है ठंडा नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ये दूध है। तो बस मैं इसे स्लाइस को लूँगी और इसे हल्के से इसे इसमें डुबोंगी इस तरह से, और बस इसे इस तरह से दोनों हथेलियों की सहायता से पूरा दूध इसका निचोड़ दूंगी। इस तरह से घुमाते हुए दूध को हमें सारा निचोड़ देना है इस तरह से। और ये देखिए, सारा दूध निचोड़ गया इस तरह से। और बस अपनी ये जो स्टफिंग लेंगे हम इस तरह से, और इसमें बीच में रख के ये लंबा थोड़ा सा करके, और चारों तरफ से हमें इस तरह से इसे अच्छे से दबा देना है, और इसे एक लंबा शेप देने के लिए, जो हमारी चमचम में शेप होता है ना, वैसा ही हम इसमें एक शेप देके और चारों तरफ से इसका जो दूध अंदर है वो सारा दबाते हुए निकालते हुए, और इसे अच्छे से लंबा शेप देके हमें इसे अंदर इस तरह से दबाते हुए तैयार करना है। ये देखिए, और ऐसे दोनों तरफ से सिरों से इसे दबा देंगे, और इस तरह से ये देखिए हमारी, इस तरह से हमें अपनी चमचम को बना के रेडी करना है। तो बस अब इसे रखते जाएंगे सारे, और सारी हम इस तरह से अपने बना के रेडी करते हैं। तो ये गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, और घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मिठाई है तो घी में ही अच्छी लगती है, हाँ नहीं आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैं आप सिर्फ घी यूज़ करें। और बस इसे इस तरह से हम फ्लेम को स्लो रखें, और धीरे से हम इसे इसमें ये डाल देंगे इस तरह से। एक बार घी अच्छे से गर्म हो जाए फिर फ्लेम को स्लो कर दें, और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे चारों तरफ से अच्छे से घुमाते हुए, और इसे हमें सुनहरा होने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है इस तरह से, जैसा हमारा मावे की हम चमचम बनाते हैं उसका कलर होता है इस तरह से। देखिए इसे चारों तरफ से अच्छा कलर आए उस तरह से हम इसे धीरे धीरे से घुमाते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे, और फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, नहीं तो ये कहीं जल जाएगी और कहीं कच्ची रह जाएगी। तो हमें उसी हिसाब से इसे घुमाते हुए अच्छे से फ्राई करना है। देखिए कितने प्यारा कलर आया है, बस हमें अभी इन्हें निकाल लेना है इस तरह से, और चारों तरफ से ये अच्छे से सिक गई हैं। तो बस इसे इस तरह से ही हम अपनी सारी चमचम को फ्राई कर लेंगे, इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हम अपनी और भी सारी चमचम, जब तक हमारी और चमचम फ्राई हो रही हैं तब तक हम इन जो फ्राई हो चुकी हैं चमचम इन्हें इसमें डाल देते हैं इस तरह से, और इन्हें चाशनी हमारी हल्की सी गरम है, हमें ज़्यादा ठंडी नहीं होने देनी चाशनी, और ना ही ज़्यादा गरम चाहिए, क्योंकि गरम में हम डालेंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो बस इसे हम उलट पुलट करते रहेंगे, और जब तक ये चाशनी में अच्छे से हो जाए, चाशनी इसके अंदर चली जाए, तब तक हम अपनी दूसरी फ्राई कर लेंगे, और इसे इस तरह से ही डुबोते हुए हिलाते रहेंगे। सारे चमचम हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमने चाशनी में से डाल दिया है। अब बस चाशनी को आप ज़्यादा ठंडा ना करें, और ये चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी ज़रूरी है, जिससे हमारे चमचम ये अच्छे से फूल जाए और चाशनी इसके अंदर चली जाए। तो बस हम इसे 2 मिनट इसमें चाशनी में पड़े रहने देंगे, उसके बाद हम इसमें निकाल के और सारी चाशनी इसे निकाल देंगे, और बस इसे तब तक इस तरह से रखे दे रहे हैं, 2 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे। देखिए हमारी चमचम बन के रेडी है, 2 मिनट बाद मैंने इसे निकाल के और नारियल के बुरादे से इसे कोटिंग कर दिया है। आप चाहें तो इसे कोटिंग करें, या आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये खाने में वैसे भी बहुत टेस्टी लगेंगी, लेकिन आप इसे इसकी नारियल के बुरादे से कोटिंग करेंगे तो ये टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो आप इसे इस तरह से बनाइए, और ये देखिए मैंने इसे कट किया है, तो अंदर से बड़ा प्यारा इसमें कलर आया है इस तरह से स्टफिंग का। तो इस हिसाब से इसे बहुत ही ज़्यादा इसकी टेस्ट बढ़ गया है, तो आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाएं। ब्रेड की चमचम बनाना बहुत ही आसान है, और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।